स्टडीज ऑफ लीडर्स, यहाँ पे कुछ थेरिस्ट ये कह रहे हैं कि लीडरशिप स्टाइल्स कौन से होते हैं, बेस्ट स्टाइल्स कौन से होते हैं। सो सम ऑफ द थेरिस्ट आर राइटिंग ऑन द स्टाइल्स। कुछ थेरिस्ट जो हैं वो स्टाइल्स की बात करते हैं, जबकि कुछ थेरिस्ट जो हैं वो बताते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे लीडरशिप इफेक्टिव होती है और लीडरशिप कैसे डिफरेंट होती है मैनेजमेंट से। वट आर द की फैक्टर्स दैट मेक लीडरशिप इफेक्टिव एंड हाउ लीडरशिप मे डिफर फ्रॉम मैनेजमेंट। सो देर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट्स जो इस एरिया पे भी काम करते हैं। तो इसमें हम चार डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे। पहला मॉडल है अडेयर एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। फर्स्ट मॉडल इज जॉन अडेयर। जॉन अडेयर कहता है कि एक लीडरशिप जो है, एक इफेक्टिव लीडर जो है, उसको तीन एस्पेक्ट्स पे फुल कमांड होनी चाहिए। अ लीडर मस्ट हैव फुल कमांड ऑन थ्री एस्पेक्ट्स। नंबर वन, वो टास्क को कैसे अचीव करता है और उस टास्क को कितना टास्क फोकस्ड होता है, बेसिकली टास्क की डिमांड्स कैसे पूरी करता है। नंबर टू, टू व्हाट एक्सटेंट एंड हाउ ही मैनेजेस एंड मेंटेन्स द टीम और द ग्रुप। वो टीम या ग्रुप को कैसे मेंटेन करता है और उसे कैसे मैनेज करता है। एंड नंबर थ्री, हाउ ही मैनेजेस इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप। वो इंडिविजुअल्स की नीड्स को कैसे मैनेज करता है ग्रुप के अंदर। सो बेसिकली एक लीडर जो है, इट सेज कि उसके पास ये तीन एस्पेक्ट्स होने चाहिए, उसके पास ये तीन खसूसियात होनी चाहिए। इसको हम एक्शन सेंटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखें, दिस इज टास्क, दिस इज टीम एंड दिस इज इंडिविजुअल। अगर एक लीडर अथॉरिटेरियन है, ऑटोक्रेटिक है, तो वो सिर्फ टास्क फोकस्ड है। इट मीन्स दैट ही इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द टीम और ही इज नॉट एड्रेसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर एक लीडर सिर्फ इंडिविजुअल या टीम फोकस्ड है, तो ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है और वो टास्क जो है उसको इग्नोर कर रहा है। ही इज इग्नोरिंग द टास्क। ठीक है, दिस सेंटर इज नोन एज एक्शन सेंटर। इस सेंटर को हम एक्शन सेंटर कहते हैं। दिस इज नोन एज एक्शन सेंटर। ठीक है, जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट। तो ये जो सेंटर वाला एरिया है, इसको एक्शन सेंटर कहा जाता है। कि लीडर हैज टू कीप बैलेंस इन ऑल ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स। लीडर को इन तीनों एलिमेंट्स में बैलेंस रखना होता है। लाइक किसी भी वर्क सिचुएशन के अंदर लीडर माइट बी फेस्ड विद प्रॉब्लम्स दैट विल रिक्वायर द यूज ऑफ द थ्री स्किल्स ऑफ लीडरशिप। ये तीनों स्किल्स हैं बेसिकली। कि एक लीडर टास्क का कितना ख्याल रखता है, एक लीडर टीम का कितना ख्याल रखता है, या एक लीडर जो है वो इंडिविजुअल का कितना ख्याल रखता है। तो इसको हम एक्शन सेंटर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स अ लीडर मस्ट शो वन ऑफ द थ्री स्किल्स, समटाइम ही मस्ट शो टू ऑफ द थ्री स्किल्स, एंड समटाइम ही माइट हैज टू शो ऑल द थ्री स्किल्स। लाइक बार दफा लीडर को, तो ये ओवरलैपिंग सर्कल्स जो हैं, ये बताते हैं कि एक्शन सेंटर कहाँ पे है। नाउ व्हाट आर द स्किल्स, स्किल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वो स्किल्स कौन कौन से हैं, तो हम बात करेंगे स्किल्स के ऊपर। वो स्किल्स कौन कौन से हैं जो लीडर को शो करने होते हैं, और लीडर उन स्किल्स की बेस के ऊपर डिटरमिन करता है कि वो कैसे इफेक्टिव लीडर होगा। ये 11 नंबर का सवाल आया था पेपर में। इट वाज एन 11 मार्क्स क्वेश्चन, और ये सितंबर 2017 में शायद, या सितंबर 18 में आया था, सितंबर 18 में आया था, जिसमें दो पार्ट्स थे। लेट मी, ये बल्कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन को यही गिवन है। दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सितंबर 18 का क्वेश्चन है। इट वाज 11 मार्क्स। इसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट था थ्री एस्पेक्ट्स बताएं लीडरशिप के, जिसके ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए मिस्टर इनाम को, जो कि सिनेरियो में हमारे इंडिविजुअल थे। ठीक है जी, दे भाई लास्ट टीए के करते मैं करवा दूंगा। और दूसरा पार्ट था इसका कि मिस्टर इनाम को तीनों एलिमेंट्स के अंदर किस किस किस्म के स्किल्स चाहिए। व्हाट आर द स्किल्स। बस हाँ,
जी, वो हो जाएगा अपलोड, मैं कह दूंगा, कर देगा। सो बेसिकली वो कहते हैं कि वो तीनों एलिमेंट्स में किस किस किस्म के स्किल्स चाहिए लीडर को, व्हाट आर द स्किल्स लीडर मस्ट हैव इन ऑल द थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये स्किल्स हैं जो टेबल आपके सामने है, ये स्किल्स हैं। ये 8 नंबर का पार्ट था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ 8 मार्क्स, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा पार्ट था। आप वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, हम उसे वैसे व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आई आस्क टीए कि उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दें। सो वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज आप उसका सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। सो लीडर टास्क के लिए क्या स्किल्स अडॉप्ट करता है, टास्क को डिफाइन करता है, मेक प्लान टू अचीव द टास्क, उसे अचीव करने का प्लान बनाता है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है और एक्वायर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एस्टैब्लिश करता है इंडिविजुअल मेंबर्स की, मीन्स टास्क को डिवाइड करता है, डिवाइडिंग द टास्क अमंगस्ट द सबॉर्डिनेट्स, डिवाइडिंग टास्क अमंगस्ट सबॉर्डिनेट्स, टास्क को सबॉर्डिनेट्स में डिवाइड करता है। ठीक, और क्या करता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करता है, टारगेट्स ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करता है, रिपोर्टिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है बाय कंपैरिजन विद द टारगेट्स, मॉनिटरिंग करता है परफॉर्मेंस की, रिव्यू करता है परफॉर्मेंस को आफ्टर द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, फीडबैक देता है। तो अगर आप गौर फरमाएं तो ये सारे काम ऑटोक्रेटिक लीडर भी यही करता है ना, प्योरली टास्क फोकस्ड होता है ना, ऑटोक्रेटिक लीडर भी सारे मेनली यही काम करता है, टास्क फोकस्ड होता है। ठीक है ना, ऑटोक्रेटिक लीडर का भी फोकस जो है वो टास्क होता है। ऑन द अदर हैंड देर आर अ स्किल वेयर लीडर मस्ट बी एबल टू मैनेज टीम, इस पर अगला पूरा चैप्टर आएगा, 9 चैप्टर। लेकिन चूंकि अभी तक हम लोगों ने 9 चैप्टर को डिस्कस नहीं किया, तो शायद अभी इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो, बट डोंट वरी, परेशान ना होइएगा, अगले चैप्टर में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टीम मैनेजमेंट में टीम को मैनेज करता है कैसे, परफॉर्मेंस बिहेवियर ऑफ द टीम, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को एस्टैब्लिश करता है टीम के, ग्रुप का कल्चर डिफाइन करता है, हर ग्रुप का अपना एक सब कल्चर होता है, रिमेंबर हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में, तो ये कल्चर जो है ये लीडर डिफाइन करता है, ग्रुप के एथिकल स्टैंडर्ड्स और डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करता है, ग्रुप मेंबर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है, ग्रुप की बैलेंसशिप मेंबरशिप को बैलेंस करता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये हैं रोल्स ऑफ टीम मेंबर्स, ये रोल्स होते हैं एक टीम के अंदर, वो कहते हैं कि 9 रोल्स प्ले होने चाहिए। ठीक है ना, और ये मेंबरशिप जो है आपकी ये डिफाइन करती है कि आपकी टीम में कितने कितने और किस किस किस्म के रोल्स प्ले किए जाएंगे। सो लीडर क्या करता है, टीम रोल्स को डिफाइन करता है, लीडर डिफाइंस टीम रोल्स। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लीडर टीम कोहियन को बिल्ड करता है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टीम कोहियन। टीम कोहियन का मतलब होता है कि एक टीम किस हद तक यूनाइटेड है, टू वट एक्सटेंट अ टीम इज यूनाइटेड, इट इज नोन एज टीम कोहियन। टीम मोरल बिल्ड करता है, ही बिल्ड्स टीम मोरल। टीम के कलेक्टिव स्किल्स को डेवलप करता है, कलेक्टिव स्किल बिल्डिंग करता है टीम की, मेच्योरिटी ऑफ द ग्रुप को एनहेंस करता है, कम्युनिकेशन को बेहतर करता है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करता है पूरे ग्रुप के साथ, कंसल्टेशन करता है पूरे ग्रुप के साथ, फीडबैक देता है पूरे ग्रुप को, ग्रुप ट्रेनिंग मुहैया करता है। सो काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये सारा काम लीडर क्या करता है, टीम्स के लिए करता है। लीडर डज ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर द टीम और फॉर द ग्रुप। ठीक है ना, इंडिविजुअल की तरफ लीडर की क्या स्किल्स होते हैं, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को समझता है, उनकी पर्सनालिटी को समझता है, उन्हें असिस्ट करता है, पर्सनल लेवल पे गाइडेंस देता है, उन्हें सपोर्ट देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, सोशल सपोर्ट देता है, उन्हें प्रेज करता है, रिवॉर्ड करता है, तारीफ करता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्जेक्टिव को एग्री करता है, मीन्स पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यूज करता है। अब वो हम बोला था ना अलाइन करियर एंड पर्सनल गोल्स, तो करियर और पर्सनल गोल्स जो है उनको अलाइन करता है, बेसिकली ही अलाइंस करियर एंड पर्सनल गोल्स। ठीक है, सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एग्रीमेंट इस्टेब्लिश करता है, करियर और पर्सनल गोल्स को अलाइन करता है, जहाँ तक मुमकिन हो सके इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स और स्किल्स को इस्तेमाल करता है, मेक यूज ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर स्किल्स, उनकी स्ट्रेंथ्स और स्किल्स को यूज करता है, उन्हें रिवॉर्ड करता है, रिवॉर्ड करता है उन्हें अप्रोप्रिएटली, उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें डेवलप करता है, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग करता है और डेवलपमेंट करता है उनकी। यहाँ पे ग्रुप ट्रेनिंग कर रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर रहा है। ठीक है ना,
तो दैट्स अगेन, ये इनके आप कीवर्ड्स निकाल लें, हर कॉलम के कीवर्ड्स निकाल लें. सो दैट वुड बी हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ दिस टॉपिक. ये इस टॉपिक को प्रिपेयर करने में आपकी मदद करेगा. केस पढ़ें. मिस्टर इनाम ने कंपनी को ज्वाइन किया मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में. वो कंपनी इंगेज थी 10 साल पहले, अ डेके अगो. मिस्टर इनाम ने अपनी अच्छी रिप्यूट बना ली इन द आईज ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट एंड क्लाइंट्स ड्यू टू हिज करिज्मेटिक पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू गेन न्यू बिजनेस. इन रिकग्निशन ऑफ हिज कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस ही वॉज गिवन सेवरल प्रमोशन एंड रिसेंटली ही इज बीइंग गिवन प्रमोशन एट द जोनल सेल्स मैनेजर लेवल. अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दिखा के उसको जोनल सेल्स मैनेजर बना दिया. वो भी मैं बताता हूँ, उस पर आता हूँ अभी. ये भी हम करते हैं नोट, इस पर आते हैं. बड़ा क्विक सा नोट है, इसे बताते हैं. मिस्टर इनाम जो है, अब उसे एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स टीम को लीड करना है. ठीक है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा. ही वुड डेफिनेटली बी हैविंग अ न्यू चैलेंज. तो कहते हैं, यूजिंग जॉन डियर एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप, वट आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप मिस्टर इनाम नीड्स फुल कमांड ऑफ. ये 3 नंबर का पार्ट था. इट वॉज अ पार्ट वर्थ 3 मार्क्स. कि वो कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मिस्टर इनाम को फुल कमांड होनी चाहिए. तो अचीविंग द टास्क एंड मीटिंग द डिमांड ऑफ द टास्क, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द टीम और ग्रुप, एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप. तो इन 3 एस्पेक्ट्स में मिस्टर कमांड की फुल कमांड होनी चाहिए, मिस्टर इनाम की फुल कमांड होनी चाहिए. और पार्ट बी था, वट आर द स्पेसिफिक स्किल्स विच मिस्टर इनाम शुड कीप अंडर ईच ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ द लीडरशिप मैंशन अबव. उन्हें किन किन स्किल्स को बैलेंस करना है मिस्टर इनाम को. तो उसने देख लें सारे के सारे स्किल्स डाल दिए. डिफाइन द टास्क, मेक द प्लान, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस बेंच मार्क, रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस. ठीक है, और इसी तरह मैनेजिंग टीम और ग्रुप, कल्चर ऑफ द ग्रुप एस्टैब्लिश करना, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस पे एग्री करना, जो भी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं. पास क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं स्टूडेंट से. देर आर सम क्वेश्चन दैट डिमांड अ लॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन. ये उन सवालों में से है जो बहुत ज़्यादा डिमांड करता है आपसे. लाइक दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू पुट अप ऑल दीज पॉइंट्स. तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखना, फिर इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होगी. इस तरह नहीं कर रहा कि कोई से 3 या कोई से 4 स्किल्स बता दें. तो इस तरह का सवाल भी आता है जहाँ पे लंबी लिस्ट हो, सारी की सारी लिस्ट भी पूछी जा सकती है पेपर में. ठीक है ना. अच्छा, जॉन अडेयर की का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. जॉन अडेयर कहते हैं 50-50 रूल. जॉन अडेयर कहते हैं कि किसी भी लीडरशिप की जो सक्सेस है या इन्फ्लुएंस जो है लीडर का, ये अलोन लीडर इन्फ्लुएंस या इफेक्टिवनेस सफिशेंट नहीं होती. 50% मोटिवेशन जो है वो विद इन द इंडिविजुअल आती है, और 50% मोटिवेशन लीडर देता है. 50% सक्सेसफुल टीम लीडर पे डिपेंड करती है, और 50% सक्सेसफुल टीम जो है वो टीम मेंबर्स के अपने ऊपर डिपेंड करती है. इसे कहते हैं 50-50 रूल. शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का डेफिनेशन आ सकती है. व्हाट इज अडेयर्स 50-50 रूल? तो जॉन अडेयर कहते हैं कि 50% ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द लीडर, एंड 50% ऑफ द मोटिवेशन कम फ्रॉम द टीम मेंबर्स. एंड सिमिलरली 50% ऑफ द सक्सेस ऑफ द टीम कम्स फ्रॉम द टीम मेंबर्स, एंड 50% ऑफ द सक्सेस कम्स फ्रॉम द लीडर. ठीक है, इसे 50-50 रूल कहा जाता है. कि इसका मतलब ये है कि इफेक्टिव लीडरशिप ना काफ़ी है. जब तक सबॉर्डिनेट्स खुद करेजियस नहीं होंगे, खुद मेहनती नहीं होंगे, सबॉर्डिनेट्स खुद एफर्ट्स नहीं पुट करेंगे, तो तब तक ये काम नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. सितंबर 18 में टेस्ट हुआ था, दोबारा टेस्ट होने के चांसेस हैं. आगे आ जाए, आगे आता है वॉरेन बेने. वॉरेन बेने 1980s में मैनेजर्स को और लीडर्स को डिस्टिंग्विश करता. वॉरेन बेने कहते हैं कि मैनेजर्स में और लीडर्स में क्या फ़र्क होता है. ये दोनों बुलेट पॉइंट सिर्फ पढ़ लें, असल कहानी इस टेबल के अंदर है. इनफैक्ट यही पॉइंट्स ऊपर उसने बुलेट्स की शक्ल में पुट किए हैं, लेकिन आप बस ये टेबल सामने रखेंगे. मैनेजर ट्रांजेक्शनल लीडरशिप मुहैया करता है. ट्रांजेक्शन कहते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप को. ट्रांजेक्शन का मतलब होता है गिव एंड टेक रिलेशनशिप. यानी मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉय को सैलरी देगा, उसे काम करवाएगा, उसको रिवॉर्ड देगा, उसे काम करेगा. जबकि लीडर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, लीडर इन्फ्लुएंस करता है.
लीडर आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपका आपका वो कह लें कि जो अंदर से आग लगा देता है आपके अंदर किसी काम को करने के लिए। मैनेजर डज द थिंग्स राइट, प्रोसेस फॉलो करता है। लीडर डज द राइट थिंग, जो कहा गया है वो करता है। मैनेजर एडमिनिस्टर करता है, लीडर इनोवेट करता है। मैनेजर मेंटेन करता है, लीडर डेवलप करता है। मैनेजर सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स पे फोकस करता है, लीडर लोगों पे फोकस करता है। मैनेजर कंट्रोल पे रिलाय करता है, लीडर ट्रस्ट को इंस्पायर करता है। मैनेजर का शॉर्ट रेंज व्यू होता है, लीडर का लॉन्ग रेंज पर्सपेक्टिव होता है। मैनेजर इमिटेट करता है, इमिटेट कहते हैं कॉपी करने को, प्रोसेस को कॉपी करने को इमिटेट करता है। जबकि लीडर जो है वो चैलेंज करता है स्टेटस क्वो को, ओरिजिनेट करता है, चैलेंज करता है स्टेटस क्वो को। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो यही वाला टॉपिक था एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो यही वाला टॉपिक, वो वॉरेन बेने का ही मॉडल है। ठीक है, और वो पेपर का क्वेश्चन इसी के ऊपर आया था। इनफैक्ट किताब में अगर आप आ जाएं पेज नंबर 9 के ऊपर, पेज नंबर 9 पे अगर आप देखें, ये पेपर का सवाल था। इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम मार्च 2016, मार्च 2016 का क्वेश्चन था, उसमें 2 का पार्ट ए था। ठीक है, उसने आपको सारे पॉइंट्स मिक्स करके दे दिए हैं, डिफरेंशिएट करने को कह रहा है। बताएं वॉरेन बेने के मुताबिक कि लीडर में और मैनेजर में क्या फर्क है। ठीक है ना, सो इस टेबल में फिर आपने अलग अलग कर दिया, यू सिंपली सेपरेटेड। तो यहां उसने सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सॉरी, तो यहाँ पे आपने इन्हीं पॉइंट्स को बाइफरकेट करना था। ठीक है ना, मैनेजर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में एंगेज होता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, मेंटेन करता है, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, शॉर्ट रेंज पर्सपेक्टिव होता है। लीडर डज द थिंग्स राइट, डेवलप करता है। और ये क्वेश्चन पेपर में एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आया था। इट अपेयर्स इन अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, दिस वन। ये था सितंबर 2017, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। ठीक है, सितंबर 17 अटेम्प्ट थी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी था। स्टेटमेंट पढ़े, मिस्टर आलम सीईओ है कंपनी का, हु इज बेस्ट नोन फॉर अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्निक्स। कंपनी यूजली टेक्स द लीड इन अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज, बीट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स। मिस्टर आलम हैज ऑल्सो बीन एबल टू डेवलप हाईली मोटिवेटेड एंड टैलेंटेड टीम ऑफ वर्कर्स, एक्सीलेंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज, ऑलवेज रिसेप्टिव ऑफ क्रिएटिविटी, लेड स्ट्रेस ऑन स्टाफ डेवलपमेंट ट्रेनिंग, इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसीज, हिज विजन इज लॉन्ग टर्म। ठीक, ये केस था। क्वेश्चन पूछ रहा है, बताएं सिनेरियो के मुताबिक मिस्टर आलम का स्टाइल कौन सा है लीडरशिप का, एज इनिशिएटेड बाय वॉरेन बेने। ठीक है, उसका स्टाइल कौन सा है? तो मिस्टर आलम का स्टाइल है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। और साथ पूछा गया था कि फिर इस स्टाइल के करेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट डाउन कर दें। 7 नंबर का सवाल था ये, इट वॉज अ 7 मार्क्स क्वेश्चन। स्टाइल्स पूछे गए थे और साथ ही कहा गया था कि फिर लिस्ट डाउन कर दें रिस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टाइल दैट मिस्टर आलम इज यूजिंग। मिस्टर आलम जो स्टाइल यूज कर रहा है उसके करेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट डाउन करना था। ठीक, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। दिस वाज अ क्वेश्चन अपीयर्ड इन सितंबर 2017 अटेम्प्ट। अच्छा, ये जो इसके नीचे कंटेंट लिखा हुआ है ये काट दें सारा, दिस इज नॉट रेलेवेंट लीडरशिप एट ऑल लेवल्स। चलो ये भी काट दें, आप सिर्फ इस टेबल को फोकस करें। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस टेबल। नेक्स्ट वी हैव जॉन कॉटर। जॉन कॉटर एक किताब लिखता है, व्हाट लीडर्स रियली डू, लीडर्स क्या करते हैं। इस किताब में ये कहता है कि लीडर्स चेंज को एंटिसिपेट करते हैं, लीडर्स चेंज के साथ डील करते हैं, और लीडर एक विजनरी स्टांस क्रिएट करते हैं, विजन डेवलप करते हैं फ्यूचर का कि इन्होंने क्या अचीव करना है,
दे डेवलप अ विजनरी स्टांस एंड अ विजन व्हाट दे वांट टू अचीव। ठीक, तो जॉन कॉटर ये कहता है कि लीडर्स का एक विजन होता है और वो उस विजन को पाने की कोशिश करते हैं। तो जितना बड़ा चेंज चाहिए होगा उतनी ज़्यादा आपको लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। जितना बड़ा चेंज चाहिए होगा उतनी ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो वॉरेन बेनेट की तरह ये भी ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल को डिस्टिंग्विश करता है, लेकिन ये ज़रा चार पॉइंट्स पे डिस्टिंग्विश करता है, चार पॉइंट्स के ऊपर। ये वाला सवाल अभी तक पेपर में अनटेस्टेड है, दिस क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन टेस्टेड सो फार। तो कॉटर कहता है कि मैनेजर्स ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में एंगेज होते हैं, लीडर्स ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में एंगेज होते हैं। वेरी सिंपल, मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, लीडर्स डायरेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। मैनेजर्स अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ पोजीशंस को फिल करते हैं, लीडर्स क्या करते हैं, पीपल के साथ अपना वीएन जो है वो लोगों के साथ अलाइन करते हैं, लोगों को अपने वीएन से अलाइन करते हैं। यानी मैनेजर्स जो हैं दे पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, जबकि लीडर क्या करता है, ये अपना वीएन डेवलप करके लोगों को डेवलप करता है, उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। मैनेजर्स कंट्रोलिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, लीडर्स मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। मैनेजर्स प्रिडिक्टेबल आउटकम प्रोड्यूस करते हैं, चूंकि प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रोसेस फोकस जो होते हैं, सो दे प्रोड्यूस प्रिडिक्टेबल आउटकम्स। जबकि लीडर जो है वो चेंज को प्रोड्यूस करते हैं, ड्रामेटिक चेंजेस लेके आते हैं। लीडर प्रोड्यूस चेंज, दे ब्रिंग ड्रामेटिक चेंजेस। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि लीडर्स और मैनेजर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी तक अनटेस्टेड है पेपर में, बट चांसेस आर देयर कि इस पे एग्जामिनर इस दफा क्वेश्चन करें। अभी तक अनटेस्टेड, एंड अगेन बहुत बुनियादी सा सवाल आएगा, अगर आएगा तो सिंपली डिफ्रेंशिएट करें लीडर्स में और मैनेजर्स में एज एक्सप्लेन्ड बाय जॉन कॉटर। जॉन कॉटर कैसे मैनेजर्स और लीडर्स को डिस्टिंग्विश करता है एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडर्स आर डोमिनेंट विद ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। ये वाली खसूसियात ऑटोक्रेटिक लीडर में होती है, सिर्फ टास्क फोकस्ड होता है। तो मैनेजर्स कह सकते हैं आप कि मैनेजर्स आर मेनली ऑटोक्रेटिक लीडर्स, यस यू कैन से दैट। ठीक है, चलिए, आई हैव टू अटेंड अ क्विक मीटिंग, तो आज हम क्लास को बस यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। कल इस चैप्टर को रैपअप करेंगे, कल इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप भी करेंगे और कल इंशाल्लाह टीम मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो सॉरी फॉर टुडे, आई हैव टू एक्चुअली अटेंड अ सर्टेन मीटिंग, तो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, थैंक यू।